स्कूल जा चुकी है और बारबी आज घर पे ही है। बारबी आज रो रही है, क्या कर रही हो बारबी? देखिए बारबी जो है रो रही है, एक बार सो के उठ भी गई है। बारबी क्या कर रही हो, देखो इधर, बारबी आज रो रही है, एक बार सो कर उठ भी गई है। सुबह 4 बजे बारबी उठी है और हमको भी उठा दी थी, और अभी रो रही है बारबी। स्कूल आज इसका बंद है इसलिए बदमाशी कर रही है। और बारबी की कहाँ पे सोई थी बारबी? देखिए बारबी का खटिया, ये है बारबी का खटिया जिसपे बारबी अभी सोई हुई थी। देखिए दोस्तों बारबी का कितना सुंदर खटिया है ये, और बारबी का ये तकिया जो है वो फट गया है। बारबी देखिए, ये बारबी का तकिया जो है बेचारे का फट गया है। और देखिए मेरा दोस्तों, मेरी जो है घर की साफ सफाई हो गई है। तो आज जो है सैटरडे है और बारबी का स्कूल नहीं था, 4 बजे स्कूल गई है। और इधर मेरे घर की थोड़ी साफ सफाई हो गई है, दोपहर हो गया है, 1 बज गया है, लंच टाइम हो गया है। और बारबी जो है देखिए मुंह में उंगली लेकर घूमते रहती है, मुंह में उंगली मत लो। और इधर मेरा किचन भी सब जो है साफ हो गया है, खाना कंप्लीट हो गया है। और बारबी आज जो है टीवी खाली देख रही है बैठकर, देखिए पेपा पिग देखते रहती है हमेशा, निक जूनियर देखते रहती है। और इधर चार्बी का यूनिफॉर्म, बारबी का भी हमने धोकर इधर डाल दिया है। देखिए बारबी का यूनिफॉर्म सूख भी गया है। अच्छा चार्बी का दो यूनिफॉर्म है इधर नया। बारबी का जो है देखिए 4 तरह का यूनिफॉर्म रहता है, येल्लो, रेड और एक स्कर्ट रहता है, और ब्लू और ग्रीन। चार दिन चार यूनिफॉर्म पहनकर जाती है स्कूल। देखिए ये येल्लो है, ये रेड है, ये ब्लू और ग्रीन, चारों 4 दिन जाती है। साथ में एक जो लास्ट डे फ्राइडे रहता है उस दिन चार बारबी क्या पहन के जाती है, कलरफुल ड्रेस पहन के जाती है। बारबी को होमवर्क मिला है? देखिए बारबी का डायरी भी आज हमने चेक नहीं किया है, क्या होमवर्क मिला है देखिए, कुछ भी नहीं मिला। ये बारबी की डायरी है और ये होमवर्क, देखिए बारबी का कुछ मिला है होमवर्क? नहीं मिला है। देखिए तो है, तो ये केयर ऑफ पर्सन। अच्छा बारहवीं का, अच्छा कल ही का है, 13 सदस्य एंड ऑल द यूज इंग्लिश न्यूज पेपर। अच्छा वो पहले का है। और बारहवीं के स्कूल में क्या था कल? बारहवीं हैंडवाश कंपटीशन था, हैंडवाश एक्टिविटी था, और क्या था? ब्रशिंग। अच्छा ब्रशिंग एक्टिविटी भी था और हैंडवाश भी एक्टिविटी था। तो बारहवीं की थी, हाँ। क्या क्या कर कैसे करी थी? अच्छा एप्रन बारबी को पहनाया गया था उसको करने के लिए। अच्छा और मैम अपना हैंड वॉश रखी थी, इतना सारा। अच्छा बहुत सारा हैंड वॉश रखी हुई थी और एप्रन पहले पहनाई और टूथपेस्ट लगाई। बारबी का कौन सा ब्रश मिला आया था, कौन पिंक कलर का? अच्छा बारबी को पिंक कलर का ब्रश मिला था स्कूल एक्टिविटी के लिए। था। अच्छा हैंड वॉश एक्टिविटी था और ब्रशिंग एक्टिविटी भी तो था। दोस्तों आज सावन है तो सावन का मेहंदी हमने अभी तक लगाया नहीं है, तो सोच रहे हैं सावन का मेहंदी आज लगा लेते हैं। बहुत दिन पहले से ही हमने लाकर रखा हुआ था और ये देखिए फ्रिज में रखा हुआ है मेहंदी। तो लगाएगी मेहंदी बारबी? हाँ। अच्छा देखिए बारबी को भी लगा लेते हैं और हम भी लगा लेते हैं। कहाँ गया एक और? अच्छा एक ही रहने देते हैं, एक जो है बाद में लगाएंगे। दो खरीदे थे। अच्छा हाँ दो खरीदे थे पर एक नहीं मिल रहा है। चलो देखते हैं आज आ लगाते हैं। चलिए खुला हुआ है तो चलिए दोस्तों हम लोग मेहंदी लगाते हैं। पहले बारबी लगाएगी कि हम लगाएं? पहले हाँ। तुम लगाएगी? अच्छा ठीक है। तो दोस्तों अभी बारबी के हाथ में मेहंदी पहले लगा देते हैं, उसके बाद हम अपना मेहंदी लगा देते हैं। ये मेहंदी है, देखो कैसे करो, थोड़ा सा इसको फूल को कट कर लेते हैं, लगा दीजिए। तो एक फटा कपड़ा लेकर आओ, गंदा कपड़ा, वहाँ उधर से मेहंदी लगाने के लिए गंदा कपड़ा भी रखना जरूरी होता है। और चार भी जो है टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, इसलिए थोड़ा कम कर देते हैं। लाइए वो कपड़ा, लाइए इतना बड़ा छोटा कपड़ा नहीं था। अच्छा ठीक है लाइए थोड़ा कपड़ा, जैसे देखिए मेहंदी ये निकलता है इसको इस तरह से कर लाइए। बैठिए देखिए बारहवीं का फ्लावर बना देना, फ्लावर बना देंगे, बारहवीं लिख दें। हाँ देखिए दोस्तों बारहवीं के हाथ में हम फ्लावर बना दिए हैं, देखिए बन गया फ्लावर। देखिए और बना रहे हैं और फ्लावर। अच्छा ये थम्स अप है। हाँ अब बारहवीं इधर लिख देते हैं और लीफ लीफ भी बना दें। हाँ।
दादी का लेख भी बना लेते हैं। दिखाए में आप देखिए बारहवीं का मेहंदी लग चुका है। अब थोड़ा हम भी लगा लेते हैं। देखिए तो पहले इस लगाने से पहले छुरी को जो है हटा लेते हैं। और देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं लगाना। तो सबसे पहले यहाँ से इस तरह से लगाते हैं। अपने हाथों में मेहंदी लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अभी सावन है तो हम लोग लगा लेते हैं मेहंदी इस तरह। हमने तो उल्टा फ्लावर बना दिया। अच्छा ठीक है। झोल देखिए दोस्तों लग गया है मेरा मेहंदी। अब बस इसमें लगने वाला है। सावन में मेहंदी लगाना जरूरी होता है दोस्तों, इसलिए हम लगा रहे हैं। बोला जाता है सावन में जो है सैया के लिए मेहंदी लगाया जाता है, नहीं हस्बैंड के लिए। तो देखिए सुहागन लोग जो है सावन में मेहंदी जरूर लगाती है। तो देखिए ये जो है मेहंदी हम लोग लगा रहे हैं, आप लोग भी जरूर लगाइएगा। दोस्तों देखिए मेरा मेहंदी फ्रंट साइड में लग चुका है। अब बैक साइड में यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लगा लेते हैं। बैक डिजाइन सिंपल डिजाइन लगाएंगे और मेहंदी लगा ले। लगा लो। अब कितना लगाएंगे? तुम इतना पहले पहले लगा लो। तो दोस्तों देखिए मेरा मेहंदी जो है वो लग चुका है। अब इसका सूखने तक का वेट करेंगे, सूखेगा तभी हम लोग ये करेंगे। कहाँ जा रही है बारबी? तो दोस्तों आप भी मेहंदी जरूर लगेंगे। देखिए मेरा फुल एंड डिजाइन मेहंदी जो है वो लग चुका है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मेहंदी जब सूखता है तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बारबी देखो इधर। तो देखिए दोस्तों बारबी जो है कहाँ बाहर जा रही है। बाहर मत जाओ, आ जा अंदर, आ जा, बहुत धूप है बाहर। हाँ गंदा धूल अंदर आ जाएगा। गेट बंद करिए, चलिए आइए बाहर, आ जाए अंदर आइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय।